राहुल गांधी का अडानी का भूत सड़ा हुआ है। संविधान खत्म करने का बाद अमेरिका में कुल किसने बोला SC ST रिजर्वेशन देश में खत्म होगा, ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने बोला? आप लोग उनको पूछिए कि अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किया? आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है। आदिवासियों का ऊपर, आंदोलनकारियों का ऊपर गोली किसने चलाई? कांग्रेस का इतिहास देखिए, और कांग्रेस झारखंड का भूमि में आना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है संविधान की रक्षा करना है तो बीजेपी को हटाना होगा, आदिवासी को बचाना है, दलित को बचाना है तो बीजेपी को हटाना होने, तो अडानी का सारा चीज भेज देंगे क्या? देखिए, राहुल गांधी का अडानी का भूत सड़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, संविधान खत्म करने का बाद अमेरिका में कुल किसने बोला ST ST रिजर्वेशन देश में खत्म होगा, ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने बोला? आज राहुल गांधी को आपका साथ पत्रकार वार्ता किया कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, नहीं किया तो दुख का बात है, लेकिन करना सही था। आप लोग उनको पूछिए कि अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बात आपने क्यों किए? और आज देश का कोई नेता नहीं बोलते, चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि, हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है, ST ST रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए। आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। झारखंड आंदोलन का विरोध कौन किया था? झारखंड आंदोलन में आंदोलनकारियों को गोली किसने मारा था? आज झारखंड का इतिहास देखिए, देश का आदिवासी प्रदेश जब झारखंड बनने जा रहा था, उस समय आदिवासियों का ऊपर, आंदोलनकारियों का ऊपर गोली किसने चलाई? कांग्रेस का इतिहास देखिए, और कांग्रेस झारखंड का भूमि में आना ही नहीं चाहिए। जो लालू यादव का पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का तो झारखंड में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, जो झारखंड प्रदेश का विरोध किए। सर एक सवाल लोजपा से है, देखिए हमारा, क्योंकि आपको मैं इतना ही बता देता हूँ, हमारा सब काम खत्म हो चुका है, चुनाव कमेटी का बैठक खत्म हो चुका है, जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया, हमारा मामला एकदम खत्म है। काल हमारा चुनाव का काल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, रिलीज हो जाएगा, और हर कैंडिडेट को अभी मालूम है किसको टिकट मिल चुका है। ये मैं तो हैरान हूँ, आप लोग जैसा सशक्त पत्रकार अभी भी हमसे लिस्ट मांग रहे हैं, सारे उम्मीदवार सबको मालूम है, आप लोग एक एक करके पूछिए, लिस्ट आप ही लोग लगा सकते हैं, हमको खाली आधिकारिक रिलीज नहीं हुआ है, अनौपचारिक तो पूरा लिस्ट आप लोगों को मालूम है, ठीक है? तो क्या ये पांडे जी बताइए, अभी लिस्ट कल आ जाएगा, इनकमिंग सलाह रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लड़ाया जाएगा। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है, अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा, और 2000 कितना का चुनाव आएगा, 29 में लड़ाएगा।